नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। मॉनसून का मौसम अपने साथ कई तरह की बीमारियां लेकर आता है। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और मौजूदा वक्त में देश के कई हिस्सों में तेजी से बढ़ रहे जीका वायरस के मामले भी इन्हीं मच्छरों जनित होते हैं। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि उन्हें मच्छर ज्यादा काटते हैं, पर क्या वास्तव में मच्छरों के काटने का कोई पैमाना हो सकता है? क्या ये संभव है कि मच्छर कुछ लोगों को ज्यादा काटे और कुछ लोगों को कम? बिल्कुल, कई अध्ययन इस बात का समर्थन करते हैं। अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि हमारी त्वचा की कुछ चीजें मच्छरों को काटने के लिए ज्यादा आकर्षित कर सकती हैं। टाइम पत्रिका में प्रकाशित एक लेख में डॉक्टर जोनाथन कहते हैं, हमारी त्वचा से प्राकृतिक रूप से कई तरह के रसायनों का उत्पादन होता रहता है। उनमें से विशेष रूप से जिन लोगों की त्वचा से लैक्टिक एसिड का उत्पादन ज्यादा होता है, माना जाता है कि ऐसे लोगों को मच्छर भी ज्यादा काटते हैं। लैक्टिक एसिड से मच्छर ज्यादा आकर्षित होते हैं। इसके अलावा कई और चीजें हैं जिससे मच्छर ज्यादा आकर्षित होते हैं। उनमें से एक है आपका खास ब्लड ग्रुप। अध्ययन में ब्लड ग्रुप और मच्छरों के काटने के संबंध के बारे में बताया गया है। अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि कई प्रमाण ऐसे मिले हैं कि अन्य ब्लड ग्रुप वाले लोगों की तुलना में ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों के लिए मच्छर ज्यादा आकर्षित होते हैं। बता दें कि मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके काटने वाले लक्ष्य की पहचान करते हैं। बता दें कि गर्भवती महिलाओं और ज्यादा वजन वाले लोगों में मेटाबॉलिक रेट भी ज्यादा होता है, जो उन्हें मच्छरों के लिए अधिक आकर्षक बना सकता है। इसके अलावा गहरे रंग के कपड़े पहनना भी एक कारक हो सकता है, ये मादा मच्छरों को आकर्षित करता है। साथ ही जिनके शरीर का तापमान ज्यादा होता है उन्हें भी मच्छर ज्यादा काटते हैं। इसके अलावा शराब, विशेष रूप से बियर पीने वाले लोगों के पसीने से निकलने वाले रसायनों को मच्छर ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आपको स्वाभाविक रूप से भी पसीना ज्यादा होता है तो भी मच्छरों के लिए आप पसंदीदा हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।